मेमोरी जब लॉक कर दिया है तो ठीक मैंने वो दूसरा मेमोरी जब लगाया मेमोरी जब यूज किया और मैं चेक कर रहा हूँ उसका कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहले प्लस वाले को ग्राउंड कर देंगे और माइनस वाला पे हमने सब पॉइंट को चेक किया सब पे कुछ ना कुछ रीडिंग दिखा रहा है 400 500 600 तो भी सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो है उसमें कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है बहुत बारीकी से प्रेस करना थोड़ा सा स्क्रेच करके उसके बाद हम चेक करेंगे मेरा लाइन जो कट हुआ है 1880 देखिए पहले हम चेक कर लेंगे कटा हुआ लाइन कोई छोड़ से कहाँ तक कंटिन्यूटी है फिर अगला छोड़ के चेक करेंगे कहाँ पर कंटिन्यूटी शो कर रहा है कि नहीं मैंने चेक किया कंटिन्यूटी उधर साइड से शो कर रहा है लेकिन इधर साइड से शो कर रहा है मैं एक छोड़ा था वहाँ पर जम्पर कर दूँगा वहाँ सीपीयू कवर रहता है वो स्टील का मतलब ऊपर कवर लगा हुआ है उस कवर को रिमूव करेंगे तो वहाँ पर स्क्रेच करना पड़ेगा देखिए मैं वहाँ पर एक जम्पर वायर लगा लेता हूँ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें खुशी होगी और हौसला भी मिलेगा कि मैं आगे वीडियो अपलोड कर सकूं देखिए मैंने जम्पर लगा दिया आपको शायद नहीं दिख रहा है देखिए आप अब देख सकते हैं मैंने जम्पर लगा दिया है सॉरी जम्पर रिमूव हो गया फिर से मैं नया जम्पर लगा देता हूँ मोबाइल जो कि उतना हार्ड काम नहीं है तो उतना आसान काम भी नहीं है छोटा से छोटा बारीकी को बहुत ध्यान से करना पड़ता है आपका थोड़ा सा मिस्टेक आपको भारी नुकसान या फिर कस्टमर से दो चार बात सुना सकता है खासकर के मेमोरी डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्टेड रहता है वहाँ पर तो मतलब बहुत ही सावधानी से करना चाहिए नहीं तो मोबाइल बंद भी हो सकता है डेड भी हो सकता है आपका फोन सेटिंग को अगर स्क्रेच करें तो बड़ी बारीकी से करें ताकि कोई परेशानी आपको ना हो तो देखिए मैं जम्पर फिर से लगा देता हूँ थोड़ा सा बारीक कनेक्शन है ये जब प्रॉब्लम हो रहा है और ना इतना टाइम नहीं लगता है जम्पर लगाने में सॉरी दोस्तों मेरे मतलब पोजीशन की वजह से आपको तो नहीं दिख रहा होगा कि मैं जम्पर कैसे लगा रहा हूँ लेकिन आप कारीगर होंगे तो समझ पाए होंगे कि जम्पर कैसे लगता है थोड़ा सा रुक जाइए जम्पर लग जाएगा अगर रिपेयरिंग का और भी वीडियो देखना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया लेकिन अभी चैनल पर अपलोड नहीं किया क्योंकि मुझे उतना सब्सक्राइबर नहीं है उतना व्यूअर नहीं है वही चलते मैं अपना डाटा मतलब जैसे तो जियो का है डाटा का कोई वैल्यू नहीं है बट थोड़ा सा मेहनत लगता है एडिटिंग एडिटिंग में तो हम सोचे कि पहले सब्सक्राइबर उसक्राइबर हो जाए उसके बाद मैं अपना सारा वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रिपेयरिंग से रिलेटेड किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर हमको जानकारी है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे जम्पर में थोड़ा सा टाइम वेस्ट ज़्यादा लग गया लेकिन देखिए मैंने जम्पर कर दिया मैंने जम्पर कर दिया अब आपको कंटिन्यू चेक करके दिखाता हूँ सबसे लास्ट वाला पे नहीं बता रहा था मैंने पहले शॉटिंग चेक कर लेता हूँ ताकि स्क्रैच करने के बाद मैंने जम्प किया तो कोई पॉइंट शॉट तो नहीं हुआ
देखिए मेरे लास्ट लॉक रॉक पे अब कंटिन्यूटी शो करने लगा है, पहले नहीं शो कर रहा था अब शो करने लगा था। मैं अब साइड बाई साइड चेक कर ले रहा हूँ कि कोई पॉइंट शॉर्ट आपस में नहीं ना हुआ है। देखिए मैं दूसरा फ़ोन में अपना कंटिन्यूटी चेक करके रखता हूँ, देखिए 500 कुछ पॉइंट बताया, मैंने 500 से 400 से 500 600 पॉइंट बताया, यानी कि सही ये 600 बता रहा है यानी सही है। अब इसका कनेक्शन हो चुका है, सिंपल इसका शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, दूसरे फ्रॉप में शॉर्ट तो नहीं होगा। देखिए कंटिन्यूटी बता रहा है, अब देख लीजिए कंटिन्यूटी बहुत अच्छा तरह से बता रहा है, शॉर्टिंग वॉर्टिंग की प्रक्रिया नहीं है। अब हम इसका मेमोरी जैक लगा दिए हैं, इसका हम मेमोरी जैक लगा दिए हैं। सॉरी वीडियो को मैंने पॉज कर दिया, क्योंकि मेमोरी जैक तो सबको लगाना आता होगा। मैं इसमें सिंपल मेमोरी जो वर्क नहीं करता है जैक लगाने पर उसका सलूशन बताने जा रहा था। मैंने मेमोरी जैक लगा दिया, उसका एक बार से प्रेस कर देते हैं, उसके बाद मैं मेमोरी आपको डाल के दिखाता हूँ कि मेमोरी वर्क कर रहा है नहीं। मैं जैक को एक बार फ्रेश कर लेता हूँ और फिर से एक बार टेस्ट कर लेता हूँ कि मतलब कंटिन्यूटी सब बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए कई सारे होते हैं कि बिना स्क्रू कसे हुए भी मतलब वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि भाई मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दिखाना चाहिए हमको, ढक्कन रिमूव करने और स्क्रू खोलना तो सबको आता है, मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टॉपिक है वो हम दिखाना चाहते हैं। ये ना कि मतलब वीडियो लंबा करने के लिए, वीडियो मतलब हाईलाइट करने के लिए, हम देखिए स्टार्टिंग से कुछ झूठ थोड़ी ना वीडियो बनाएगा। आप देख सकते थे मेरे सामने ही मेमोरी मतलब चक रिमूव था, अभी मैंने लगा दिया है। अब मैं बारीकी बारीकी से कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, साथ साथ शॉर्टिंग भी चेक कर ले रहा हूँ, क्योंकि एक दूसरे में शॉर्ट रहेगा तो भी मेरा मेमोरी जग नहीं काम करेगा। तो हम सबसे पहले शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, एक दूसरे मतलब साथ रहता है, 7 पिन रहता है, 7 पिन को मैंने चेक कर लिया। अब मुझे लगता है कि मेमोरी वर्क ज़रूर करेगा, मेरा कॉन्फिडेंस है कि मेमोरी वर्क करेगा। चलिए देख लेते हैं कि वर्क करता है कि ना। मेमोरी को फिट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा उसको क्लीन कर देता हूँ। देखिए इसी स्टील कवर के नीचे उसका आईसी बंद था, तो मैंने उसे निकाल दिया, उसे वापस नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि मैंने वायरिंग किया है। अगर आपके पास हैंड वाला वो डॉक्टर वाला जो टेप रहता है, हैंड फ्लैश टाइप का, वो है तो वह वायरिंग के चिपका सकते, नहीं हो तो भी चलेगा। मैं थोड़ा सा फ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि पेस्ट की वजह से बहुत डस्ट टाइप का मतलब चट चट लगता है। अच्छा तरह से मतलब धीरे धीरे प्रेस करना है क्योंकि वहाँ पर कनेक्शन मैंने किया है। मैं मेमोरी को लगा देता हूँ, थोड़ा सा मेमोरी भी नया जग है, थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। मैंने मेमोरी को फिट कर दिया, अब मैं इसका बैटरी किधर गया, देखिए मेरा एक पावर बैक है, बैटरी जो कहते हैं जो चेक करने के लिए ओपन वन में इसी से चेक करता हूँ बैटरी, सॉरी मोबाइल को ऑन करके कि प्रॉब्लम कहाँ है और प्रॉब्लम का सलूशन हुआ कि नहीं। चलिए मैं फ़ोन को ऑन करता हूँ, सॉरी मेरा रेड वाला पॉजिटिव फ्रेंड निकल गया, कनेक्ट कर देता हूँ। मैं फ़ोन को ऑन करता हूँ, देखिए फ़ोन ऑन हो गया है, कार्बन का फ़ोन है। अब मैं चेक करता हूँ कि मेमोरी वर्क कर रहा है कि ना। अब देख सकते हैं, जी हाँ मेमोरी वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं छोटा सा ब्लैक लोगो दिखा रहा है टाइम के साइड में। अब मैं सीधे आपको वीडियो चालू करके दिखाता हूँ या फिर MP3 बजा के दिखाता हूँ। देखिए मेमोरी वर्क कर रहा है, मेमोरी वर्क कर रहा है, हाँ मेमोरी वर्क कर रहा है, देख सकते हैं आप। मेमोरी कार्ड ऊपर फोन स्टोरेज दिखा रहा है, नीचे मेमोरी कार्ड दिखा रहा है। देखिए मैंने फोल्डर को ओपन कर लिया है, अब मैं वीडियो को प्ले करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको मतलब स्पष्ट रूप से रुक गया कि मेमोरी वर्क कर रहा है। जी देखिए वीडियो चालू हो गया। अगर मेरा वीडियो पसंद हुआ है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स 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 थैंक्स।